अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लिम्फैटिक सिस्टम की। जब हम ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए बेसिकली दो सिस्टम्स होते हैं। पहला सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर ब्लड और हार्ट और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, और दूसरा सिस्टम जो है लिम्फैटिक सिस्टम है। लिम्फैटिक सिस्टम क्या काम करता है? तो बेसिकली हमने बात की थी कि पिलरीज के अंदर के कैपिलरीज हाईली परमिएबल होती हैं और इनसे काफ़ी सारा प्लाज्मा और वाटर और उसके अंदर डिजॉल्व जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो लीक आउट हो जाते हैं कैपिलरीज से और टिश्यूज के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट और गैस एक्सचेंज वगैरह का काम होता है। अब वो फ्लूड जो वहाँ पे टिश्यू के अंदर मौजूद है उसको वापस कैसे जाएगा? उसको वापस ले जाने का काम हार्ट तक करता है लिम्फैटिक सिस्टम। टिश्यू से सारा जो वाटर और दूसरा फ्लूड है उसको कलेक्ट करके ये हार्ट तक लेके जाता है। लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मसलन लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। लिम्फ कैपिलरीज के साथ लिम्फ वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा लिम्फॉइड मैसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे थाइमस ग्लैंड है जो आपके सीने में होता है, इसी तरह स्प्लीन है, ये लिम्फ लिम्फॉइड मैस कहलाता है। इसके अलावा बॉडी में मुख्तलिफ जगह पर ये छोटी छोटी लिम्फ नोड्स होती हैं। इसके अलावा ये जो फ्लूड है जो इन नालियों के अंदर बह रहा होता है उसको हम लिम्फ कहते हैं, और उसी की बेस पे इस पूरे सिस्टम का नाम जो है लिम्फैटिक सिस्टम हमने रखा हुआ है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली कैपिलरीज हमने बात की कि हाईली परमिएबल होती हैं और इनसे काफ़ी सारा वाटर और सोल्यूट्स वगैरह इंट्रासेलुलर स्पेसिस के अंदर चला जाता है। लेकिन ये जो ब्लड सेल्स और दूसरे सेल्स हैं वो आमतौर पे कैपिलरी से कभी नहीं जाते, बाहर नहीं निकलते। उसके ये जो सारा फ्लूड है ये वापस ले जाने का काम लिम्फेटिक सिस्टम करता है, और इस फ्लूड को हम लिम्फ कहते हैं। और ये लिम्फ एक्चुअली लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो है इकट्ठा होता रहता है, और उसके बाद वेन्स लिम्फ वेन्स के अंदर आ जाता है, और वहाँ से फिर इसको बेसिकली जो एक वेन है जिसको हम सबक्लेवियन वेन कहते हैं वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। लिम्फैटिक सिस्टम की वाल्स आमतौर पे पोरस होती हैं और काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को भी ये अपटेक कर सकती हैं जो कि आमतौर पे कैपिलरीज वगैरह अपटेक नहीं कर सकती। लिम्फ कैपिलरीज जो हैं ये मिलके लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, और ये सारी लिम्फ वेसल्स आपस में मिलके एक बड़ी सी लिम्फ डक्ट बनाती है जो यहाँ पे सीने में मौजूद होती है, और ये थोरेसिक लिम्फ डक्ट जो है वो अल्टीमेटली सबक्लेवियन वेन के अंदर इस जगह पे ये जो शोल्डर्स के नीचे वेन होती हैं उनके अंदर जाके खुलती है, और सारा लिम्फ जो है वो थोरेसिक डक्ट से अल्टीमेटली सबक्लेवियन वेन के अंदर जो ब्लड की बड़ी वेसल है उसके अंदर डाल दिया जाता है, और वहां से ये सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट तक पहुंचता है। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स की काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं वो विलाई के अंदर, जो इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उनके अंदर भी मौजूद होती हैं, और इन वेसल्स को हम लैक्टियल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बेसिकली ब्लड ये लिम्फ का फ्लो जो है वो स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी की वजह से या ब्रीदिंग मूवमेंट्स वगैरह की वजह से कंट्रोल होता है, और यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने के लिए इनके अंदर वाल्व्स भी होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है वो लिम्फ नोड कहलाता है। लिम्फ नोड बेसिकली एक स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे मौजूद होते हैं, और ये एक मैस होता है कनेक्टिव टिश्यू का जिसके अंदर बहुत सारे लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, और एक्चुअली ये लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन का डेवलपमेंट का इलाका होता है कि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स इकट्ठे करके और वो डेवलप हो रहे होते हैं। अब एक जो लिम्फ नोड होती है उसके अंदर लिम्फ लाने के लिए काफी सारी एफरेंट वेसल्स होती हैं, और सिर्फ एक इफरेंट वेसल होती है जिससे फिर लिम्फ जो है वो लिम्फ नोड से बाहर की तरफ चला जाता है।
लिम्फ नोड्स बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे अरेंज होती हैं। मिसाल के तौर पे नेक रीजन में काफ़ी सारी लिम्फ नोड्स होती हैं, इसके अलावा एक्जिला में यानी कि आपकी बगल के अराउंड लिम्फ नोड्स होती हैं, और इसके अलावा ग्रोइन रीजन में यानी कि टांगों के दरमियान आमतौर पे लिम्फ नोड्स काफ़ी सारी कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। इसके अलावा बाकी बॉडी के अंदर भी थोड़ी बहुत लिम्फ नोड्स फैली हुई होती हैं। इसके अलावा भी लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लिम्फॉइड मैसेस कहलाते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक तो अरेंज्ड होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। इसके अलावा स्प्लीन और थाइमस, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक सीने में ये थाइमस होता है, और इसके अलावा स्प्लीन जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के करीब पड़ी हुई होती है। और इसके अलावा दो चीज़ें जिनका आपने जिनमें से एक का आपने नाम सुना होगा, टॉन्सिल्स और इसके अलावा एडिनॉइड्स, ये भी जो है टॉन्सिल्स का नाम आपने सुना होगा, जब इन्फेक्शन होती है तो ये टॉन्सिल्स स्वेल हो जाते हैं, तो ये भी लिम्फॉइड मैसेज हैं, इनका काम भी लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। अब लिम्फॉइड मैसेज करते क्या हैं? लिम्फॉइड मैसेज बेसिकली लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन का काम करते हैं, कि यहाँ पे वो वाइट ब्लड सेल्स की एक स्पेशल टाइप जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो लिम्फॉइड मैसेज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम काम क्या करता है? जैसा कि हमने बात की कि पहला काम तो ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम प्लाज्मा को वापस एब्जॉर्ब करके हार्ट तक पहुँचाता है, और तकरीबन 3 लीटर डेली प्लाज्मा जो है वो हार्ट तक पहुंचता है लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए से। इसके अलावा हमने बात की कि विलाई के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के अंदर लिम्फ वेसल्स होती हैं जिनको लैक्टियल्स कहते हैं। इन लैक्टियल्स का काम बेसिकली फैट की एब्जॉर्प्शन है। आपको पता है कि फैट जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती, तो अगर आपने फूड खाई है और उसके अंदर काफ़ी सारा आपने मक्खन खाया है या घी वगैरह खाया है, तो वो डाइजेशन के बाद बेसिकली ट्रांसपोर्ट तो उसकी ब्लड के जरिए से होनी है, तो ब्लड वाटर बेस्ड है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट ज़रा मुश्किल होती है। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली ये फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो जितना भी फूड के अंदर फैट होता है वो सारे का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करके फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये फैट ग्लोब्यूल्स ये लैक्टियल्स के जरिए से लिम्फ के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और यहाँ से फिर वो ब्लड के अंदर आते हैं और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स, हमने बात की कि लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, और ये बेसिकली कंसंट्रेटेड जमा हुए होते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, और लिम्फ नोड्स में जब लिम्फ पहुंचाया जाता है एफरेंट वेसल्स के जरिए से, तो वहाँ पे उस लिम्फ के अंदर ये चेक करते हैं कि कोई बैक्टीरिया या वायरस वगैरह तो मौजूद नहीं है, और अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस मौजूद हो तो लिम्फ नोड में पहुँचते साथ ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं, तो वो सारे इसको पकड़ लेते हैं बैक्टीरिया या वायरसेस को और उनको आमतौर पर मारने का काम करते हैं। बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन के केस में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो जाए तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस चूँकि वो लिम्फ नोड्स तक पहुँच रहे होते हैं तो लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। मिसाल के तौर पे हमने चैप्टर नंबर 5 में एक वायरस का पढ़ा है जो मम्प्स काज करता है, तो मम्प्स के अंदर ये जो सलाइवरी ग्लैंड हैं यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और इसी तरह बाज़ दफ़ा आपका जब गला ख़राब होता है तो उसमें टॉन्सिल्स स्वेल हो जाते हैं। तो ये दोनों बेसिकली इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, और इन्फेक्शन के दौरान में यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस यहाँ पे जमा किए जा रहे होते हैं। इसके अलावा स्प्लीन भी हमने बात की कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, तो स्प्लीन भी बेसिकली डेड ब्लड सेल्स को क्लीन अप करने का काम करती है ब्लड में से, और साथ ही साथ अगर कोई बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह के डेब्रिस वहाँ पे मौजूद है तो उसको भी क्लियर करने का काम स्प्लीन करती है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि लिम्फेटिक सिस्टम
क्या क्या काम परफॉर्म करता है, और हमने बात की कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बेसिकली एक फ्लूड पर मुश्तमिल है जिसको लिम्फ कहते हैं, और इसके अलावा इसके साथ बहुत सारी कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स और कुछ ऑर्गन्स मिसाल के तौर पे थाइमस और स्प्लीन वगैरह एसोसिएटेड होते हैं, और इनका काम बेसिकली लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होता है लिम्फ नोड्स और लिम्फ ऑर्गन्स का। और मेन फंक्शन जो लिम्फेटिक सिस्टम का है वो ये है कि ये टिश्यूज में से एक्सेसिव फ्लूड को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वापस पहुंचाता है ब्लड तक, और इस दरमियान में उस लिम्फ के अंदर उसकी चेकिंग की जाती है लिम्फोसाइट्स के जरिए से कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह मौजूद ना हो। इसके अलावा ये लिम्फ जो फ्लूड है वो फैट्स की ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है और बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट डिफेंस का भी काम करता है। थैंक यू।